नमस्कार, मैं आलोक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। रेलवे वैकेंसी 2024-25 और 26 लगातार 3 वर्षों की बात करें तो रेलवे एक बहुत बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए क्रिएट किया है। और ऐसे में बहुत सारे बच्चे लगातार ये पूछते रहते हैं कि सर तैयारी कैसे करें, कहाँ से करें और तमाम रिसोर्सेस के बारे में ढूंढते रहते हैं। टीम परीक्षा प्लस आप सभी के लिए एक बहुत बेहतरीन तोहफा लेके आई है। और रेलवे एग्जाम्स की बात किया जाए तो रेलवे एग्जाम में जहां पे अगर हम सारे एग्जाम की बात करें, जैसे आप एनटीपीसी की बात करोगे, ग्रुप डी की बात करोगे, आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की बात करोगे, एएलपी टेक की बात करोगे या फिर जेई की बात करें, इन कैडर में इस बार वैकेंसीज निकली हैं बहुत सारे पदों पर, बहुत सारे पदों पर निकलने वाली है। रही बात एनटीपीसी की तो आपका 15 अगस्त तक फॉर्म एनटीपीसी का भी आ जाएगा। ग्रुप डी का जो आवेदन होना है, ग्रुप डी का आवेदन आपका 7 अक्टूबर महीने में इसका भी फॉर्म आ जाएगा। और तमाम बच्चे टेक्निकल एग्जाम जैसे कि आपका और टेक और जेई की तैयारी तो कर ही रहे हैं, साथ में नॉन टेक्निकल जो एग्जाम है उनकी भी तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में 1 लाख से ज्यादा पद अगर देखा जाए तो वर्ष 2024 में आने वाले हैं, जिसमें एनटीपीसी, हालांकि उम्मीद हम लोग 35,000 लगा रहे थे बट इन्होंने 10,800 पदों की घोषणा अभी तक की है। और बहुत सारे भाई लोग ये बोलते भी रहते हैं कि सर कुछ करिए, वैकेंसीज को बढ़ाया जाए। मैं हमेशा आपसे बोलता हूं कि टीम परीक्षा प्लस आपके साथ हमेशा है, लेकिन बच्चों में एक चीज समझिए कि मैं विवश हो जाता हूं जब आप लोग का साथ नहीं मिलता। मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाया था, आपसे बोला था कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग सहभागिता लो, ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट करो, उतने लोग मेरे साथ हैं। और उस वीडियो में कमेंट करने वाले केवल चंद लोग थे, मुश्किल से 100 लोग भी नहीं थे। तो 100 लोगों में तो बिल्कुल कुछ नहीं हो पाएगा, एक बहुत बड़ी भीड़ चाहिए। तो आप में से जो भी लोग चाहते हैं कि भाई हाँ एनटीपीसी टेक्नीशियन इन सबकी वैकेंसीज बढ़ के आए, वो लोग मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए कि हाँ सर मैं आपके साथ हूं। और इसके लिए 15 अगस्त तक हम लोग एक नया प्लान बनाए ताकि उसके लिए कुछ किया जाए, लेकिन तब तक हमें अपनी पढ़ाई नहीं डिस्टर्ब करनी है। ग्रुप डी में ऐसे तो हम लोग 1.25 लाख की उम्मीद लगाते हैं, लेकिन जैसे वैकेंसीज की शॉर्टेज है तो 50,000 से ज्यादा ग्रुप डी में भी उम्मीद नहीं कर सकते हैं। एनटीपीसी में 10,800 उन्होंने बता दिया, आरपीएफ में 4201 और लगभग ऐसे देखा जाए 5,000 के आसपास पद आपके आरपीएफ में है। एएलपी में 9,144, हालांकि पद इसके बढ़ने चाहिए बट 9,144। और एएलपी की अगर बात किया जाए तो उन्होंने 5600 से बढ़ा के 18,799 और टेक्नीशियन का 9,144 पद अभी भी इन्होंने बढ़ाया नहीं है। जेई की बात किया जाए तो ये भी लगभग 7900, लगभग 8,000 पद सब मिला के इनके आ चुके हैं। तो सारे पदों को अगर जोड़ लिया जाए तो लगभग 1 लाख से ज्यादा पद आपके क्या है, 1 लाख से ज्यादा पद आपके आने वाले हैं। और इस 1 लाख से पद के लिए कम से कम 2 करोड़ लोग फॉर्म आवेदन कर रहे हैं। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको एक सीट चाहिए। और अगर आपको एक सीट चाहिए तो टीम परीक्षा प्लस ने एक बहुत बेहतरीन फ्री यूट्यूब बैच निकाला है, साथ में आपके जो पेड भी है वो भी एकदम फ्री की तरह है। मैं आपको सब कुछ बताता हूं कैसे, जिसमें आपको क्लास, नोट्स, आपको प्रैक्टिस टेस्ट सब कुछ मिल रहा है, मतलब एक बहुत कंप्लीट बैच आपको कराया जा रहा है। या आपका कैलेंडर आपने कई बार देखा होगा, एएलपी आ चुकी है, टेक्नीशियन आ चुकी है, एनटीपीसी अभी आना बाकी है जो 15 अगस्त तक आ जाएगा, जेई आपका पैरामेडिकल कैटेगरीज में आ चुका है और लेवल 1 भी 1 अक्टूबर तक इन्होंने घोषणा की है, तो ये भी आपका आ जाएगा। ये पूरा टेंटेटिव टाइमलाइन किसका था, एएलपी का था। एएलपी का पेपर इन्होंने बोला था कि जून से लेके, अगर आप देखोगे तो CBT 1 का इन्होंने जून से अगस्त में बोला था, लेकिन जून जुलाई निकल चुका तो अब हमारे पास महीना बचा है अगस्त। अगस्त में ना होकर ये मान के चलो कि सितंबर में जाएगा, क्योंकि वैकेंसीज बढ़ी है, दोबारा जून चेंज करने का ऑप्शन दिया गया है, सितंबर इसे मान के चलिए। ऐसे ही अगर टेक्नीशियन की बात किया जाए तो टेक्नीशियन भी जैसे इन्होंने बोला है कि जो CBT है ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच में करा लेंगे, तो टेक्नीशियन का टाइमलाइन आप यही मान के चलिए। और ऐसे बाकी एग्जाम के भी हैं, ये आपके एनटीपीसी के 10,884 पद की बात इन्होंने की। ऐसे ही अगर बात किया जाए, ये आरपीएफ का नोटिफिकेशन था जो आपका आ गया था अप्रैल में ही, 14/5/2024 से ही, उसके बाद ये आपका अभी नया नया आया हुआ है, क्या नया नया आपका जेई आया हुआ है और इसके भी फॉर्म चालू है 7,951 पद। तो ऐसे एग्जाम की तैयारी करने के लिए जैसे एनटीपीसी में इन तमाम पद में आना बाकी है, करीबन 12-13 कैटेगरीज के पद होते हैं जिसमें लेवल 2 से लेवल 6 तक सारी वैकेंसीज होती हैं। और अगर हम ग्रुप डी की बात करें तो ग्रुप डी में भी आपके कई सारे पद होते हैं, वो पद आप देख सकते हो, ये 10th की एलिजिबिलिटी पे होता है। तो बहुत सारे एग्जाम ऐसे हैं जिसमें आपका 10th की एलिजिबिलिटी है, बहुत सारे ऐसे हैं 12th में, और बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो कहीं ना कहीं ऐसे गरीब तबके के होते हैं या फिर पारिवारिक कंडीशन बहुत अच्छी नहीं होती है, उन्हें जॉब की जरूरत होती है। तो 10th और 12th आपको ग्रेजुएशन का इंतजार नहीं करना है, आप अपना ग्रेजुएशन करते रहिएगा, ज्यादा बेहतर तरीके से पहले आप अपनी तैयारी कर लिए और तैयारी में दम लगा दीजिए।
आपको सिलेक्शन का चांसेस कौन देगा? सिलेक्शन का चांसेस आपका बड़ा भाई, यहाँ पे मैं खुद बोल रहा हूँ कि आपके सिलेक्शन की गारंटी मैं लेता हूं, लेकिन आपको मेरे बताए हुए तरीकों पे चलना पड़ेगा। आपके लिए टीम परीक्षा प्लस, जैसे अगर आप बात करोगे तो आप चाहे जो, चाहे आप एनटीपीसी उठा लो, चाहे ग्रुप डी उठा लो, चाहे एएलपी टेक उठा लो, चाहे आप जेई उठा लो, सभी का सीबीटी वन का नेचर लगभग लगभग सेम रहता है 19-20। सभी में मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया और साइंस हो गया। ये चार पोर्शन लगभग सारे पेपर में पूछे जाते हैं, किसी में 30 तो किसी में 35 इस प्रकार से पूछा जाता है। तो आपको इन्हीं चार विषय को पढ़ना है और इन चार विषय के लिए टीम परीक्षा प्लस ने आप सभी के लिए एक लगभग निःशुल्क बैच ले आई है। लगभग निःशुल्क मैं इसे क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप इसका कहीं भी बैच देखोगे तो 699 में इसका बैच है। लेकिन अगर आप हमारे पैनल पे कहीं पे भी जाओगे, परीक्षा प्लस ऐप पे आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड करिए और वहां पे अगर आप कोर्सेज को देखोगे, चाहे ग्रुप डी का हो, ये भी 199 किया गया है, एनटीपीसी ये भी 199 किया गया है, जेई सीबीटी वन ये भी 199 है, आरपीएफ कॉन्स्टेबल का ये भी 199 चल रहा है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का ये भी 199 में है, एनटीपीसी यहाँ पे केवल सीबीटी वन है, एनटीपीसी 2.0 के नाम से मिलेगा, केवल सीबीटी वन है, ये भी आपका 199 है और एएलपी भी आपका क्या है 199। मतलब ये सारे के सारे बैचेस रेलवे में जो भी आप तैयारी करना चाहते हैं सारे बैचेस मात्र 199 रखे गए। 199 इसलिए रखे गए ताकि थोड़ी सी आपकी गंभीरता बनी रहे। दूसरी बात बच्चों, हम लोग भी आप, क्योंकि ये सारी क्लासेस आपका एप्लीकेशन पे चलाएंगे जहां पे आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी, बहुत बेहतरीन तरीके से सारा आप फोल्डर वाइज सारी क्लासेस लगी रहेंगी, उनके क्लास के नोट्स लगे रहेंगे, आपको जो बुकलेट पीडीएफ होती है, जो आपकी किताबें होती है पीडीएफ के फॉर्म में, ये आपको मिलेंगी, चाहे वो एलपी हो चाहे टेक हो, ऐसे आपका एनटीपीसी, ऐसे आपका ग्रुप डी और आपका जेई, वो सारी किताबें आपकी अलग अलग एग्जाम के लिए डेडिकेटेड बनाई गई है। तो ये किताबें आपको वहीं लगी रहती हैं, आपका ग्रुप डिस्कशन वहीं पे रहता है, आपका कोई भी मार्गदर्शन है वो भी वहीं पे दिया जाता है, स्ट्रेटजी डिस्कशन वहीं पे होता है, टेस्ट भी आप वहां से दे सकते हो, सारी चीजें आप ऐप पे कर सकते हो। तो ऐप हमसे क्या करता है, कुछ चार्ज लेता है, वो चार्ज केवल उस चार्ज की भरपाई के लिए मात्र 199 रुपए है। इसमें कोई भी टीचिंग फीस नहीं है, मतलब सारे जितने भी हमारे टीचर्स हैं, जितने भी हमारे कंटेंट हैं, ये पूरा पूरा आपको निःशुल्क दिया गया है। केवल प्लेटफॉर्म चार्ज आपका 199 रुपए लगाया गया है, क्योंकि ये भी हमें देना पड़ता है, बस इसके लिए लगाया गया है, बाकी कंप्लीट बैच आपका ये फ्री है। तो ये फ्री बैचेस आप परीक्षा प्लस ऐप से प्राप्त कर सकते हो, अभी डाउनलोड करिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऐप का, परीक्षा प्लस ऐप की लिंक दी हुई है सबसे ऊपर, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, परीक्षा प्लस सर्च करेंगे और आपको क्या मिल जाएगा, आपको परीक्षा प्लस ऐप मिल जाएगा। कैसा मिलेगा, ये आपकी टीमें हैं, सब कुछ मैं बता रहा हूं। सबसे पहले परीक्षा प्लस ऐप देख लीजिए, कुछ इस प्रकार का होगा, लोगो आप देख लीजिए, परीक्षा प्लस का लोगो आप यहां पे ऐसे देख सकते हैं, यही आपका परीक्षा प्लस है, इसी को आपको डाउनलोड करना है। आप परीक्षा प्लस ऐप पे जाएंगे, पेड कोर्सेस में जाएंगे, पेड कोर्सेस के बाद आप आरआरबी सेक्शन में जाएंगे रेलवे के, और सारे बैचेज आपको मात्र 199 में दिखेंगे, जो आप पेड बटन पे क्लिक करके इसे बाय कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर हमें, हमने पहले से पढ़ रखे हैं, हम पहले से बैच ले रखे हैं, हमें बस प्रैक्टिस चाहिए। तो आप सभी के लिए एकदम YouTube पे फ्री प्रैक्टिस बहुत बेहतरीन, जिसमें ये मंडे से स्टार्ट हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये इसी मंडे से स्टार्ट हो रहा है और मंडे से, यानी कि आपका ये कौन सा साइंस आपका 6 PM पे बहुत बेहतरीन, ये कंप्लीट प्रैक्टिस हम लोग लेके चलेंगे, 30-35 क्वेश्चन जो भी आपका पूछा जाता है। ऐसे ही 7 PM पे जो आपकी क्लास होगी, यहां पे 7 PM पे देखोगे तो GK GS की क्लास है, रीजनिंग और मैथ्स की क्लास 8 बजे रखी गई है, अभी वीकली है, 3-3 दिन रखी गई है और उसके बाद ये जैसे आपकी एग्जाम डेट आती है इसको एक्सप्लेट कर दिया जाएगा, ये भी आपका एक अलग अलग 6-6 दिन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो आपके ये चारों जो आपको चाहिए, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, साइंस हो गया, GK GS हो गया, बस यही चीज आपको चाहिए और ये चीज आपको बहुत बेहतरीन, मतलब जो आपका सेक्शनल आता है, जैसे 35 क्वेश्चन साइंस में आ गया, 35 क्वेश्चन आपका रीजनिंग, 30-30 मैथ्स और रीजनिंग में आ गया, तो आपको 30-30 क्वेश्चन ऐसे 35 क्वेश्चन लेके पूरा सेट वाइज प्रैक्टिस कराया जाएगा। मतलब एक दिन में आप कंप्लीट सेट का क्या करोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे और कंप्लीट टेस्ट करोगे, फुल टेस्ट करोगे, तो इस हिसाब से आपकी प्रैक्टिस भी बहुत बेहतरीन होती जाएगी। तो एक बार आप जो कॉन्सेप्ट है बहुत बेसिक तरीके से, आप हमारे इन सारे रेस्पेक्टेड टीचर हैं, जैसे मैं ही आपको मैथ्स और साइंस कवर कर रहा हूं, आशीष सर आपको रीजनिंग कवर कर रहे हैं, आपका जो GK GS का पोर्शन है उसमें आपको रमन सर मिलेंगे, सर्वेश सर मिलेंगे, आपको नवीन सर मिलेंगे, फाइन सर मिलेंगे, पेड में आपको साइंस नवीन सर भी पढ़ा रहे होंगे या आपको ज्योग्राफी भी पढ़ा रहे होंगे, तो तमाम आपके जो फैकल्टीज हैं, जो टॉप फैकल्टीज हैं, कंटेंट आप सभी लोगों ने देखा होगा, जो नहीं देखे परीक्षा प्लस ऐप पे जाइए, डेमो में लगा हुआ है, आप डेमो देखिए फिर आप बैच परचेज करिए, बहुत बेहतरीन क्वालिटी के साथ ये सारी चीजें आपको दिया जा रहा है। अगर आप टाइम टेबल देखोगे तो रेलवे बैचेस के टाइम टेबल आपके अलग अलग जो बैचेस हैं, 12 PM 1 PM 2 PM 3 PM पे आपका ये कहां पे होता है, परीक्षा प्लस ऐप पे होता है। उसके बाद जो यूट्यूब वाला टाइम टेबल है 6 PM 7 PM और 8 PM, मतलब अगर आप डेली बेसिस पे
हम से 7-8 घंटा जुड़ते हो तो आपके सिलेक्शन की गारंटी हम लेते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे क्या सर मैं आपकी कोर्स से जुड़ जाऊं तो हमारा सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। देखिए मैं एक बात बोलता हूं कि केवल कोर्स से जुड़ जाने से सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन मैं इतना आपको वादा करता हूं कि अगर आप हमारे बताए हुए तरीकों पर चल लिए, जितना मेहनत टीम कर रही है इतना मेहनत आपने भी कर लिया, तो आपके सिलेक्शन की गारंटी आपका बड़ा भाई लेता है। बस आप बताए हुए तरीके पर चल लो, पूरी स्ट्रेटेजी कंप्लीट जो पैकेज है वो सब कुछ आपको इसी 199 के बैच में परीक्षा प्लस ऐप से मिलेगा। तो देर मत करिए, परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। सबका सिलेबस लगभग सेम है, सब में सेम चीज पढ़नी है, आपको इसके लिए बहुत ज्यादा भटकना नहीं है। परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड करिए, कोर्स से जल्दी जुड़िए, और यूट्यूब पे ये प्लेलिस्ट लग गई है, ये वीडियोस लग गई है, आप रिमाइंडर सेट कर लीजिए। यूट्यूब परीक्षा प्लस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर यह सारी क्लासेस चलेंगे, तो परीक्षा प्लस यूट्यूब चैनल सर्च करिए, परीक्षा प्लस यूट्यूब चैनल सर्च करेंगे यूट्यूब पर जाके तो आपको वो सारी क्लासेस अपकमिंग में मिल जाएंगी, और उन्हें रिमाइंडर सेट कर लीजिए। ये सारी क्लासेस आपको परीक्षा प्लस पे यहाँ पे आप देखोगे यूट्यूब प्लेलिस्ट है, ये यहाँ पे भी लगवा दी जाती है ताकि आप बिना किसी एडवर्टीजमेंट के, बिना किसी आप डिस्टर्बेंस के सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हो, और उनके क्लास की जो पीडीएफ होती है वो इसी ऐप में यूट्यूब पीडीएफ वाले सेक्शन में अपलोड करवा दी जाती है। तो मेरे कहने का मतलब कि आपको जीरो से जो भी आपको चाहिए, जीरो से एडवांस लेवल तक सब कुछ आपको यहीं पर परीक्षा प्लस ऐप पे मिल रहा है। ऐप जरूर इंस्टॉल कर लीजिए और परीक्षा प्लस यूट्यूब चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए जिसपे आप ये वीडियो देख रहे हैं। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।